देख रहे हैं CN24। बांसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुवार की निवासी श्रीमती झिंकी देवी ने प्रेस वार्ता करके खजनी स्थित करना अस्पताल के लूट की कहानी को बयान किया। उन्होंने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति को पेट दर्द की शिकायत होने पर खजनी थाना के पास कर्मा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। एडमिशन के समय अपेंडिक्स का ऑपरेशन के लिए इलाज खर्च 16,000 जमा कराया गया था, लेकिन अस्पताल द्वारा लापरवाही करते हुए गलत इलाज किया गया और इलाज के नाम पर हमसे 55,000 रुपया जमा करा लिया गया। उसके बाद हालत बिगड़ जाने पर 9 दिन इलाज के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। हम लोग मेडिकल कॉलेज न ले जाकर मेडिसिटी हॉस्पिटल ले गए, जहां उनका MRI हुआ और इलाज के दौरान लापरवाही का पता चला और जिसकी वजह से हमारे पति की मौत हो गई। ऐसे में मैं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करती हूं। प्रशासन को भी झिंकी देवी के आरोपों की सच्चाई पता कर पीड़ित को मदद पहुंचानी चाहिए। ठीक ठाक रहने कंचन पेट दर्द उठल ले गए एक्सरे घिचावे ले गए तो एक्सरे घिचना तो कर्मा डॉक्टर तो कहने मतलब इतनी फोड़ा हो गया है, पिंडिस हुआ है, तो हमन कहानी कितना लग जाएगा निकल जाएगा। बोला कि मतलब 16,000 में हो जाएगा। हमन के 16,000 देनी और बाद हमें से पत्थरी उथरी निकाल के सिलाई मार दिया। 4 दिन के बाद कहा कि कब तुम्हारे पति फोड़ा हो गया और 55,000 जमा करो तो ठीक कर देंगे। 55,000 भी मांग के ले जाके जमा कर ली और बाद ठीक ना बैन। जब पूरा एकदम सीरियस हो गए ना तो कहा कि ले जाओ कहीं और। इसके पास गए नहीं, पुलिस के पास उस समय नहीं गए क्योंकि मेरे सामने वो मरीज था, उनके मैं लेके भाग रहा था, इसलिए फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गए। तो मैं जो है क्योंकि जो सब कुछ करने के बाद तो हम अपना एक कागज़ बनवा के आदित्यनाथ बाबा के पास दिए। उसके बाद जो है कि बड़े बड़े अधिकारी जितने हैं वो लोग के कागज़ हम लोग बनवा के दिए। CMO के पास भी आपने शिकायत किया था क्या? हाँ, CMO के पास दिए कागज़। अभी तक कुछ हम लोग को कार्रवाई नहीं हुआ।